संसद पहुंचना जरूरी था उनका। मतलब एक राय ना तो भाई की है ना हमारी है, जो हमारी पार्टी से राय ली जाती है लीडरशिप पर। बाई इलेक्शन होने वाले हैं 9 सीट पर और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे और 3-4 दिन में पार्लियामेंट से यहाँ से फ्री हो जाएंगे भाई। फिर हमारी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा था कि आप चाहें तो बुलंदशहर से लड़ सकते हैं, मुझे कांग्रेस का ऑफर था लेकिन मैंने वो ऑफर जो है मना कर दिया। और आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पहले जिताना जरूरी था। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और चंद्रशेखर आजाद के साथ साय की तरह रहने वाले शिरीष कुमार हैं। चंद्रशेखर आजाद की जीत के पीछे जो ग्राउंड पर जो मैनेजमेंट है, जो मेहनत था, वो शिरीष भाई का है। पिछले लगभग 2019 से मैं देख रहा हूँ कि लगातार आजाद समाज पार्टी को सींच रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम बड़े फैसलों में सहभागी रहे हैं। शिरीष भाई, पहले तो जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, आपके लिए और नगीना की जनता के लिए और हमारे भीम आर्मी के एक एक साथी के लिए, आजाद समाज पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडरशिप और लीडरशिप है जिन्होंने वहाँ जा कर के 4 महीने 5 महीने 3 महीने कोई त्यौहार नहीं देखा, सब वहीं पर अपने काम किया, उनके लिए धन्यवाद। क्या लगता है, आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी छोड़ दी कि पहले चंद्रशेखर भाई को आगे बढ़ाना है, वो पहले संसद जाएं? नहीं, देखिएगा क्या है कि इस बार मुझको ऑफर था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा था कि आप चाहें तो बुलंदशहर से लड़ सकते हैं, मुझे कांग्रेस का ऑफर था लेकिन मैंने वो ऑफर जो है मना कर दिया। वो रिजल्ट जो भी होता, चंद्रशेखर भाई का संसद भेजना पहला जी रिजल्ट जो भी होता, लेकिन हमारा पहले प्रायोरिटी थी कि हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पहले जिताना जरूरी था, संसद पहुंचना जरूरी था उनका। बाकी हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है कि उम्मीद थी कि इस तरह से चंद्रशेखर भाई को समर्थन मिलेगा? हाँ, उम्मीद, आप सबसे ज़्यादा उनके साथ रहे थे। हाँ, मैं वहाँ था लगातार 3 महीने तो लगातार साथ था, तो मैं देख रहा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा उत्साह था, खासकर बहन बेटियों में, माओं में। और जो हम लोग जाकर के केतली में जो भाई ने उनसे प्यार एक वोट एक नोट की जो गुहार की थी, उन्होंने उसको जो है अपनाया। और जो हमारी माताएं हैं वो तो घर से भाई की मीटिंग में 1-1, 2-2, 5 रुपये जो होता था वो डाल करके चलती थी। क्या लगता है कि चंद्रशेखर भाई के जो भी बड़े फैसले होते हैं उसमें आप भी सहभागी होते हैं? बहुत भरोसेमंद आप उनके आदमी हैं। देखिए, भरोसा एक दिन में तो जीता नहीं जाता है, तो भरोसे का एक केवल वो नहीं है कि एक हमें कोई चीज़ पूरी कर दी भरोसा हो गया। एक जैसे एक कोई सब्जी या खिचड़ी या कुछ कोई बनाते हैं हम लोग तो उसमें कई तरह के आइटम डलते हैं, ऐसे ही हमारा भरोसा है। हम लोग हमें भी अध्यक्ष जी के ऊपर भरोसा है। इस तरह आपको कोषाध्यक्ष बनाया गया, सबसे कठिन, बहुजन दलों में पैसे नहीं होते, सबसे कठिन जिम्मेदारी वो भाई का विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास था, इसलिए उन्होंने मुझे पद दिया। और मैं कोशिश करूंगा आगे भी कि इसको मैं ईमानदारी के साथ में निभाता रहूं। पार्टी का विस्तार को लेकर क्या रणनीति है आप लोग, क्योंकि रणनीति के मामले में भी चंद्रशेखर भाई को आपसे राय जरूर लेते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी काम होता है? मुझसे राय तो मेरे अलावा भी राय जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है, मतलब एक राय ना तो भाई की है ना हमारी है, जो हमारी पार्टी से राय ली जाती है लीडरशिप है। जिस समय भाई ने चुनाव लड़ा था तो सभी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी और एक एक करके सबसे पूछा था कि भाई तुम्हारी क्या राय है, मैं कहाँ से लड़ूँ। उन्होंने ऑप्शन बताए थे, 2-3 जगह के बताए थे, उसमें सभी लोगों ने जो जातिगण थी उसमें ये बताया था कि नगीना आप चुनाव लड़ें। ये सबका फैसला था, ये हमारी पूरी पार्टी का फैसला। तो अभी भी ये पूरी पार्टी का फैसला होगा कि हम किधर जाएं, हम किस तरह काम करना है, आगे किस तरह बढ़ना है। और संगठन को लेकर के अभी भी मंथन चल रहा है और 3-4 दिन में पार्लियामेंट से यहाँ से फ्री हो जाएंगे भाई, फिर हमारी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो पार्टी को अब पूरे देश में प्रचार बढ़ाएंगे और अभी जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं 9 सीट पर और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। तो किसी नेता के सफलता में पर्दे के पीछे भी लोग रहते हैं। सोचिए, शिरीष जी वो शख्सियत हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 2019 से साय की तरह रहते हैं, लेकिन कभी भी, अभी भी इंटरव्यू के लिए मैंने उनको बहुत मनाया है, राजी किया है, तब आए हैं। तो ऐसे लोग जब किसी पार्टी में हो, किसी नेता के साथ हो, तो वो नेता अपने आप को सहज महसूस करता है और खुलकर काम करता है और तब पार्टियाँ मजबूत होती है। शुक्रिया शिरीष जी हमसे बातचीत। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।